वंडर स्टूडियो का यूज़ करके फेशियल मोशन कैप्चर कैसे कर सकते हैं इस एग्जांपल में तुम देख सकते हो मेरी आंखें अच्छे से काम कर रही है और जो मेरे लिप्स हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं अब ये मेथड उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास आईफोन अवेलेबल नहीं है और जो मेरे न्यू व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले तो वेलकम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो से पहले मेरी ये दो वीडियो देखो जिसमें मैंने बात की है कि ब्लैंड शेप्स कैसे काम करती है उन्हें क्रिएट कैसे करते हैं और दूसरी वीडियो में मैंने बात की है कि कस्टम कैरेक्टर को वो uh, स्टूडियो में कैसे अपलोड करते हैं ये उसी का एक पार्ट टू है तो पिछली वीडियो में मेरे साथ एक प्रॉब्लम होगी थी उसमें क्या हो रहा था कि मेरी जो ब्लैंड शेप्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी वंडो स्टूडियो पे तो उसका रीजन ये था

है आई राइट तो अगर मैं इसे फुल कर देता हूं तो तुम हो तो ये हमारे मैश को अफेक्ट कर रही है और जो आंखें हैं उसके ऊपर इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो सबसे पहले हमें आंखों को अलग से रिक करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा जो हमारी हेड बोन है सबसे पहले मैं इसे डुप्लीकेट कर दूंगा उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके हेड को सेलेक्ट कर दूंगा और कंट्रोल पी प्रेस कर दूंगा और यहां पर मैं कीफ ऑफसेट पर क्लिक कर दूंगा तो अभी ये इसके साथ कनेक्ट होगी है ये तुम देख सकते हो यहाँ पर तो इसे मैं रिनेम कर देता हूँ इसे मैं नाम दे देता हूँ आई लेफ्ट प्रेस कर दिया एक्स प्रेस कर दिया और नाइनटी इससे ये इस तरह से आ जाएगी और इसका मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और जो मेरी लेफ्ट आई है उसके साथ ऐसे अलाइन कर देता हूँ मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड पर चला जाता हूँ और आई को सिलेक्ट कर देता हूँ जो हमारी ये जो आई बॉल है तो तुम देख सकते हो इसका जो ऑरिजन पॉइंट है वो एकदम सेंटर में है और ये सेंटर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तभी ये काम करेगा अगर तुम्हारे कैरेक्टर में आई का ऑरिजिन पॉइंट सेंटर में नहीं है तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो ये आई को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर राइट right क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सेट ऑरिजन तो सिंपली ऑरिजन टू ज्योमेट्री पर जब तुम क्लिक करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा और तब मैं करूंगा यहां पर शिफ्ट एस प्रेस कर दूंगा और कर्सर टू सिलेक्टेड पर मैं क्लिक कर दूंगा इससे जो कर्सर है वो आई के एकदम सेंटर में आ जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा ये आई बोन को सिलेक्ट कर दूंगा एडिट मोड में चला जाऊंगा और यहाँ पर जो पीविट पॉइंट है इसे मैं थ्री डी कर्सर पर सिलेक्ट कर, कर, कर दूंगा हमारी ये बोन है है वो अब एकदम सेंटर में आ गई तो इसका साइज में अब थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बस इतना समय से रख देता हूँ से इसे बाउंडिंग बॉक्स पर सिलेक्ट कर देता हूँ अब मैं क्या करूंगा राइट right क्लिक करूंगा इस बोन के ऊपर और सिमेटराइज पर क्लिक कर दूंगा तो इससे क्या होगा की ये दोनों तरफ आ,

प्लस पर क्लिक कर दूंगा तो ये है हमारी लेफ्ट आई ये जो बोन है मैं सिंपली इसे कॉपी कर देता हूँ और जो वर्ड ग्रुप है इसका नाम यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसे मैं लॉक कर देता हूँ और जो दूसरी आई है इसके साथ भी सेम चीज करूंगा ये राइट आई है कॉपी कर लिया ग्रुप क्रिएट कर दिया और ये पेस्ट ओके तो ये दोनों में वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट हो गए अब मैं क्या करूंगा बोन को सिलेक्ट करूंगा पोज मोड में चला जाऊंगा और ये वाली जो बोन है लेफ्ट आई की इसे सिलेक्ट कर दूंगा उसके बाद द्वारा से ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाऊंगा ये वाली लेफ्ट आई बॉल है इसे सिलेक्ट कर दूंगा शिफ्ट प्रेस करके इस वाली बोन को सिलेक्ट कर दूंगा जैसे की मैंने कहा इसे मैंने पोज मोड ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है तो ये इसे मान करके चल रहा है इसके बाद में प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं बोन पर क्लिक कर दूंगा कॉपी कर, uh, कर देगा तो इसलिए हम यहाँ पर बोन को सिलेक्ट कर देंगे और सेम चीज दूसरी आई के साथ करेंगे सबसे पहले इस बोन को सिलेक्ट कर दिया पोज मोड में चले गए और इस वाली बोन को सिलेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट मोड में आ गए इस वाली आई को सिलेक्ट कर दिया शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर कंट्रोल पी और ये बोन तो अब ये दोनों इस बोन के साथ हो गई है देखते हैं काम करती है या नहीं ओके तो ये काम कर रही है यहाँ पर मैं ये मिरर मोड ऑफ कर देता हूँ ओके okay, तो ये परफेक्टली काम करिए अब हमें क्या करना है ये जो हमारा मैश है जिसके ऊपर हमने ब्लेंड शेप्स क्रिएट कर रखी हैं टोटल चार ब्लेंड शेप्स हैं आई डाउन आई लेफ्ट आई राइट और आई अप इन सभी के साथ हमें कनेक्ट करना है तो ब्लेंड शेप्स के साथ इन बोन्स को कनेक्ट करने के लिए हम ड्राइवर्स का यूज करेंगे आ, अगर मैं चला जाता हूँ पोज मोड में इस, -इस ये सिलेक्टेड है यहाँ पर मैं आ जाता हूँ आइटम वाले टैब पर और इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक्स वाई जी यूलर ये सिलेक्टेड होना जरूरी है तो मैं क्या करूंगा रोटेशन में राइट right क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड ड्राइवर पर मैं क्लिक कर दूंगा और जो जेड रोटेशन है इस पर भी मैं ऐड ड्राइवर कर दूंगा तो अगर मैं यहाँ पर एक्स रोटेशन को राइट right साइड की तरफ करने की कोशिश करूँ ये इस तरह से तो तुम देख सकते हो तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू को डिग्री में शो कर रहा है तो ये है अराउंड ट्वेंटी थ्री डिग्री अब हमें क्या करना है कि ये जो डिग्री है इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूं? गूगल पर चला जाऊंगा और यहाँ पर डिग्री टू रेडियन कन्वर्टर निकाल दूंगा तो वो था 23 डिग्री तो 23 अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो उसकी रेडियन वैल्यू जो है वो ये आ गई है तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा इसे कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिख दिया है इस स्क्रिप्ट को तुम डाउनलोड कर सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो ये राइट साइड के लिए थी आई की वैल्यू तो यहाँ पर आई आर मैंने लिख दिया है इसके आगे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे तो मैं ये करना है बस उसके बाद मैं इसे कर दूंगा लेफ्ट साइड में तकरीबन यहाँ तक 37 तो मैं यहाँ पर 37 डिग्री कर देता हूँ और उसकी रेडियन वैल्यू आ गई है ये आगे भी कॉपी कर दूंगा और जो ये स्क्रिप्ट है इसके आगे आई एल यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई का साइन है उसके आगे पेस्ट कर दूंगा तो ये आ गई है हमारी आई राइट right और लेफ्ट की वैल्यू इसे रिसेट कर देता हूँ और सेम चीज अब मैं करूंगा आई डाउन और आई अप के लिए तो अगर मैं अप करू इसे ये मुझे चाहिए ये तकरीबन यहाँ तक ट्वेंटी डिग्री तो यहाँ अब के आगे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा तो ये वैल्यू हमने नोट कर दी है आ, ये है लेफ्ट आई के लिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो अब मैं क्या करूंगा जो राइट right आई है उसके लिए भी मैं वैल्यू को नोट कर लूंगा तो मैं इसे ही ऐसा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसकी जगह मैं कर देता हूँ राइट आई तो अब ये राइट right आई को हम नोट कर देंगे और इसे भी मैं यहाँ पर क्वाटनियन से एक्स वाई जी यूलर पर सेलेक्ट कर दूंगा और सेम चीज इस पे भी कर दूंगा राइट क्लिक एड ड्राइवर राइट क्लिक एड ड्राइवर हालांकि ड्राइवर बाद में भी ऐड कर सकते हैं पर कोई बात नहीं अब मैं क्या करूंगा इसमें भी सेम चीज़ करूंगा ये है ओके तो ये सारी वैल्यू हमने नोट कर ली है तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट आई से यहाँ पर रोटेशन पर चले गए और ओपन ड्राइवर एडिटर मैं ओपन कर दूंगा यहाँ पर जो एक्स वैल्यू है मेक श्योर sure कि तुम यहाँ पर ड्राइवर पर सिलेक्टेड हो और स्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर ऑलरेडी एक वेरिएबल दिया गया है इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दो इनपुट ऐड करने हैं प्लस प्लस ये दो इनपुट हमने ऐड कर दिए अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसे हम पेस्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट आई के लिए है तो एक बात का ख्याल रखना यहाँ पर हमने एक्स वैल्यू को सिलेक्ट कर रखा है तो एक्स जो है वो लेफ्ट राइट right के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मैं क्या करूंगा जो वैल्यू हमने नोट कर ली है वो राइट right, लेफ्ट के लिए थी तो ये है आई एल आई आर इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ एक्सप्रेशन में कर दूंगा पेस्ट ओके okay, तो और यहाँ पर जो ये वेरिएबल दिया गया है इसे हम एग्जैक्टली exactly नेम करेंगे जैसे ये है आई आर सिंपली कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूं और ये आई एल कॉपी पेस्ट और यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर देंगे की पर इसे भी सिलेक्ट कर दूंगा मैं की पर और इसके आगे यहां पर की शो हो जाएगी और ये यहाँ पर और अब ये जो दो वैल्यू यहाँ पर ऐड करने के लिए आया है यहाँ पर हमें पाथ डिफाइंड करना है हमारी ब्लेंड शेप्स का तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसे कॉपी कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जहाँ पर नेम मैंने लिखा हुआ है इसे हम यहाँ पर दे देंगे आई आर ये जो नाम है ये इससे मैच होना चाहिए बेसिकली यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पर ये कॉपी कर दिया और नेम को सिलेक्ट करके आई एल ओके तो अब ये काम करना चाहिए देखते हैं ओके तो वो था आई राइट के लिए और ये काम कर रही है पर प्रॉब्लम ये है कि ये उल्टा काम कर रही है तो इसको फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगेन मैं चला जाऊँगा पोज मोड पर इसे सेलेक्ट कर दिया ओपन कर दूंगा ड्राइवर को तो इसे ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है एक्स में थे हम तो यहाँ पर जो प्लस साइन है सिंपली इसे हम रिप्लेस कर देंगे माइनस से और जो माइनस आगे लिखा हुआ है इसे हम रिप्लेस कर देंगे प्लस से और ये तुम देख सकते हो ये अब अच्छे से काम कर रहा है ये लेफ्ट के लिए भी काम कर रहा है मिशन सक्सेसफुल तो सेम चीज करेंगे अब इसकी अप डाउन मूवमेंट के लिए तो उसके लिए भी यहाँ चला जाऊंगा ओपन ड्राइवर और अप डाउन मूवमेंट कंट्रोल करती है जी वैल्यू तो इसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ सेम चीज इसमें इस भी हम रिपीट करेंगे इस वाले को हटा देता हूँ यहाँ से दो बार प्रेस कर दूंगा प्लस प्लस एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी पहले नोट करके रख लिया था अप डाउन कॉपी कर दिया और पेस्ट इसे में कर देता हूँ कीपर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डाउन डी एन यहाँ पर डाल देता हूँ अप पाथ हमें ऐड करना है सेम चीज है कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट राइट साइड तो सब कुछ सही हो गया है ये अप राइट लेफ्ट डाउन और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे राइट आई के लिए ओके तो जितनी भी, भी आईज की ब्लैंड शेप है वो अच्छे से काम कर रही है तो इस तरह से अपनी आईज को रिग करके उनकी बोन्स को हमें ब्लैंड शेप के साथ कनेक्ट करना है और जो हमारा मैश है जिसके ऊपर ब्लैंड शेप्स क्रिएट की हुई है उसका नाम हमें दे देना है अंडर कैपिटल लेटर में फेस इतना सा कर देना है उसके बाद जो प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कैरेक्टर को अपलोड करने की वो सब कुछ सेम वैसे रहेगी और ये अच्छे से काम करेगा और एक बात जो मेरी फेस फ्लैक्स एडोन है उसके ऊपर भी फिफ्टी ऑफ चल अगर तुम ये कूपन कोड यूज कर सकते हो लिमिटेड टाइम के लिए है तो जल्दी से जल्दी यूज कर लेना ब्लेंड शेप्स क्या है ब्लेंड शेप्स काम कैसे करती हैं, उसके लिए ये वाली वीडियो देखो अपने कस्टम कैरेक्टर को वंडर स्टूडियो पर कैसे अपलोड करना है उसके लिए ये वाली वीडियो देखो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सायोनारा